नई नई रेसिपी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे मोमोज, वो भी बिना स्टैंड के। अलग अलग शेप में बताऊंगी कि आप अलग अलग शेप में मोमोज कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोमोज बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है कटा हुआ टमाटर, साथ में लिया है पनीर के टुकड़े, हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, साथ में लिया है यहाँ पे लहसुन की कुछ कलियाँ जिसे बारीक चॉप्ड कर लिया है, प्याज लिया है मैंने इसे भी बारीक चॉप्ड कर लिया है। इसमें से जो आप नहीं खाते हैं उसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं डो। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी मैदा। अब मैंने यहाँ पे डाला है आधी छोटी चम्मच नमक और यहाँ पे मैंने लिया है गरम पानी। गरम पानी से हम जब भी मैदा का डो बनाते हैं तो गरम पानी से ही गूंथते हैं ताकि जो मैदा है हमारा वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इसमें बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी लगा के आपको और इसका एक डो बना के तैयार कर लेना है। ज़्यादा हार्ड डो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं वैसा ही होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डो गूंथ के तैयार कर लिया है, इसे मैं रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब हम बना लेते हैं स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सोयाबीन का यूज किया है, इसे मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी जार और इसमें हम डाल देंगे सारे सोयाबीन को। इसे हम बस हल्का सा दरदरा कर लेते हैं, बस एक बार आपको चला लेना है ताकि सोयाबीन जो है अच्छे तरीके से मैश हो जाए। ये देखिए सोयाबीन जो है बढ़िया तरीके से मैश हो चुका है, इसे हम एक बाउल में डाल लेते हैं। आपको ज़्यादा इसे पीसना नहीं है, बस हल्का सा जब सोयाबीन जो है इस तरीके से मैश हो जाए बस उतना ही आपको करना है, पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड तेल, आधी छोटी चम्मच मैंने डाला इसमें जीरा और जीरा को हम हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। जीरा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन। लहसुन अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए। कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे हम, साथ ही में इसके प्याज डाल देंगे। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्के से प्याज जो है कि सॉफ्ट हो जाए बस उतना ही कुक करना है। प्याज हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को भी 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने देते हैं। टमाटर जब हल्के से 2 मिनट में सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे जो हमने सोयाबीन को इस तरीके से पीस के रखा था ना, बस वही हम डाल देंगे। अब इसमें मैंने डाला है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। कलर के लिए डाला है मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। आधी छोटी चम्मच मैंने डाला है इसमें जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ उसमें गरम मसाला। ये मसाले आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है लाल कश्मीरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो सिर्फ हल्दी नमक ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मसाले डालते हैं तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए इस तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे। लगभग इसे हमें 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए सोयाबीन का तो आप देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसे हम ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। ये ठंडा हो चुका था, इसे मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अब हम देख लेते हैं जो हमने डो रखा था वो हमारा जो डो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, यानी सेट हो चुका है। अब इसमें से हम नींबू के साइज का एक टुकड़ा ले लेंगे और इसमें जो है हम बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट बॉल बनाने हैं, क्रैक नहीं होने चाहिए ज़्यादा। तो ये देखिए इसे हम चकली पे डाल देते हैं और इसे हम बेल लेते हैं। आप किसी भी शेप में इसे बेल सकते हैं, चाहे तो लंबा बेल लीजिए या फिर गोल बेल लीजिए, लेकिन बेलना बड़ा है और पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इसे हमने बेल लिया है। अब इस तरीके के गिलास से या फिर आप कटोरी से किसी भी चीज़ से इसे राउंड में कट कर दीजिए और कट करके इसका जो पार्ट होता है इसे हम निकाल लेते हैं और ये जो गोल वाला है इसे हम ले लेते हैं हाथों पे। ये देखिए इसे मैंने ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, ये देखिए इतना पतला मैंने रखा है। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं स्टफिंग।
तो एक टेबल स्पून के करीब मैंने स्टफिंग डाल दिया है। अब इसके फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए, जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम एक साइड से प्लेट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो है इसका मुंह छोटा होता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, और जो लास्ट वाला है इसको हम दबा के और ऊपर प्रेस कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारे जो मोमोज हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपको पनीर इसके अंदर डालना है तो जो लास्ट आते टाइम यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचता है, बस उसी गैप में हमको पनीर डाल देना है। तो यहाँ पे मैं पनीर वाला बना रही हूँ तो मैं इसमें एक पनीर के क्यूब्स डाल देती हूँ। इसके बाद हमें इसे पकड़ के और ऊपर जो टॉप वाला पोर्शन है उसमें चिपका देना है इसको, और इस तरीके से राउंड कर देना है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे मोमोज बिल्कुल तैयार हो जाएंगे बनके। इसी तरीके से मैं दूसरे शेप आपको बताती हूँ। इस शेप में आपको बहुत ही पूरा फोल्ड नहीं करना है, बहुत ही कम फोल्ड करना है। जैसे कि ये देखिए आधे आपको फोल्ड करना है। इसमें मैंने एक डाल दिया है पनीर के टुकड़े, और आपको इस तरीके से पकड़ के इसके दोनों तरफ से चिपका देना है। ये देखिए आपको जैसे आसान लगे आप उस तरीके से मोमोज को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे मोमोज जो है बिल्कुल बनके तैयार हैं। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे जो मोमोज है वो तैयार हुए हैं बनके। इसी तरीके से आप अलग अलग शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक छेद वाला बर्तन लिया है और इस पर मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डाल के हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चारों तरफ रिफाइंड ऑयल चला जाए। और अब हम डालेंगे हमारे मोमोज। मोमोज डालते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मोमोज आप थोड़ी दूरी पे ही डालें, गैप डाल के डालें, नहीं तो चिपक जाते हैं। अब इस तरीके का एक बर्तन मैंने ले लिया, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और पानी जो है मेरा गर्म हो चुका था तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ और इसे हम ढक देते हैं। ढक के हम लगभग इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे मोमोज हैं वो अच्छे तरीके से बने हैं या नहीं। तो चलिए मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे मोमोज बिल्कुल बन चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो मोमोज हैं बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बने हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आप बाकी मोमोज को भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, मैंने आपको बताया। सोयाबीन वाले मोमोज को आप घर पे बनाइए और इस तरीके से बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और ये देखिए कितने बढ़िया मोमोज बने हैं, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ मोमोज को। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं, और जो हमने इस तरीके वाले शेप दिए थे ना वो भी बहुत ही बढ़िया बने हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।